कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित 10 दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न, प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पूंछ ने कृषि महिलाओं के लिए फलों और सब्जियों के मूल्य वर्धन पर 10 दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 फरवरी से शुरू किया गया था, जो 24 फरवरी 2022 को समाप्त हुआ। इस प्रशिक्षण के दौरान जिले की बड़ी संख्या में महिला प्रतिभागियों ने बागवानी विभाग द्वारा स्थापित विभिन्न प्रसंस्करण केंद्रों का दौरा किया और विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे मिश्रित जैम, अचार, चटनी आदि के प्रशिक्षण के माध्यम से खाद्य संरक्षण के बारे में कौशल प्रदान किया। जिसमें आप अपना रोजगार कमाई है उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे सामने फर्स्ट टाइम एक केस, मतलब एक स्टोरी क्रिएट हुई, मतलब हो रही है कि जो ये शाहिदा जी है इस को आगे ले जा रही है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे की है और आप इसका भरपूर इस्तेमाल करोगे। जिस मकसद के लिए आपने ये ट्रेनिंग की है उस मकसद का वो मकसद पूरा होना चाहिए। वो जो ब्लॉक में भी हमने स्टार्ट किया है, हर एक ब्लॉक को ये मौका नहीं मिला है कि आपको एसएचजी बनाने के बाद ही ये ट्रेनिंग मिल जाए। यहाँ पे जो आपने केवीके में ट्रेनिंग ली है ये हर एक को नहीं मिली है, उनको बोर्ड टाइम के बाद मिली है। पहले उनको वो एसएचजी फॉर्मेशन की जो ट्रेनिंग रहती है अपने डिपार्टमेंट की, पहले उनको वो दी गई है, लेकिन आपको ये मौका मिला, आपको पहले ही ये ट्रेनिंग। बेरोजगार लड़कियां थी जिनको हमने ट्रेनिंग दी है 10 दिन, इनको हमने प्रैक्टिकली भी सिखाया कैसे अपना जैम बना सकते हैं, जेली बना सकते हैं, पिकल्स बना सकते हैं और उसको बनाने के बाद कैसे उनको मार्केटिंग कर सकते हैं, अपनी यूनिटी जनरेट कर सकते हैं और बाकियों को भी रोजगार दे सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की भी एक स्कीम है कि खासकर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आजकल जो स्मॉल स्केल लेवल पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हम लगा रहे हैं और गवर्नमेंट का इस पर बड़ा जोर है, इसी जिम्मन में हमने इस ट्रेनिंग को भी चुना है और उस ट्रेनिंग को दिया है। और इसीलिए कि ये हम ये बाद में जो बेरोजगार लड़कियां हैं ये अपना यूनिट खुद लगाए और दूसरों को भी रोजगार दे, और साथ साथ में इस जिम्मन में हमने यहाँ पे इनको प्रैक्टिकल भी दिखाया। वहाँ पे जो लैब है, फ्रूट केनिंग लैब है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के कलेबरेशन में हमारा ये प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पे हमने प्रैक्टिकली दिखाया कैसे चीज़ें बनाते हैं और साथ में इनको थ्योरेटिकली भी हमने पूरी तरह से बता दिया। और हमें इस बात की ये भी खुशी है, इस बात की खुशी है कि इसमें कुछ जो गर्ल्स है वो रेडी हुए हैं, वो तैयार हो गए कि जो अपना यूनिट वो लगाए और अपना रोजगार खुद कमाए और औरों को भी रोजगार। शिला भी है सर, इस स्कीम को लेके हम बहुत खुश हैं। इधर हमारा 10 दिन का ये ट्रेनिंग हुई है एसएचजी प्रोग्राम के तहत, तो हम बहुत, हमें इधर खुशी महसूस हुई है। हम पढ़ लिख के, मैंने ग्रेजुएशन की है लेकिन कोई जॉब का कुछ नहीं है वो सरकार की तरफ से। ये जो हमारा इधर प्रोग्राम चला है इधर हम बहुत खुश हैं, हमें ये ऐसा लगा कि जैसे हमें कोई हमें जॉब प्रोवाइड की गई है, तो इसे हम बहुत खुश हैं। हमें फ़ायदा भी हुआ है कि हमारे जो जेम करने का, जेम हमने बनाने का इधर सीखा है, अचार बनाने का सीखा है, जो हम बाजार से लेते हैं वो हम घर में अपने बच्चों को बना के हम क्या करेंगे, बच्चों को देंगे, अपने घर के परिवार को देंगे। हमें बहुत अच्छा लगा इधर, इधर मुजफ्फर सर हैं जो हमें बहुत अच्छा इन्होंने सिखाया है 10 दिन। सर हमारा ये अवाम को मैसेज देना, हम चाहते हैं कि जैसे हमें इन्होंने सिखाया हम आगे जाके और जो हमारे इस मोहल्ले में हैं या गांव में उनको हम बताएं तो वो भी इस रोजगार से जुड़ें और इसका फायदा लें। हम ये बहुत अच्छी स्कीम चल रही है, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आज भी बहुत अच्छा लग रहा है और हमने 10 दिन भी कंटिन्यू यहाँ पे आके ट्रेनिंग की है, तो बहुत अच्छे से इन्होंने डॉक्टर मुजफ्फर साहब जो है इन्होंने भी अच्छे से हमें लेक्चर्स भी दिए हैं, बाकी पोल्ट्री फार्म वगैरह के भी हम वहाँ पे नाकावली रोड में वहाँ पे प्रैक्टिकल हमने किया, वहाँ पे भी हमने बहुत कुछ मतलब सीखा। उन्होंने अचार वगैरह ये कुछ जैम्स हो गया सब कुछ सिखाया कि सब्जियाँ कैसे उगानी है, सब्जियों को मतलब हम कैसे मतलब घर में जो भी चीज़ है उसको हम कैसे काफ़ी देर तक चला सकते हैं, तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है इन्होंने हमें, तो हमें बहुत अच्छा लगता है लगा यहाँ पर ट्रेनिंग करके। तो मतलब हम आगे हमारा खुद का ये मतलब डिसीजन है कि हम आगे हम अपना भी रोजगार